वो कहते हैं ना, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। एक तो यूएन की संस्थाएं वैसे ही खत्म हो चुकी हैं, उसके ऊपर तुर्की जैसे देश के ऐसे प्रतिनिधि अध्यक्ष बन के बैठे थे जो पहले से ही भारत से खुंदस खाए हुए थे और पाकिस्तान के दोस्त बने हुए थे। पर अब भारत ने तगड़ी वाली चोट दी। वोल्कन वोजिकर, जिन्होंने हाल फिलहाल में खुले तौर पर यूएन के अध्यक्ष होते हुए अपने पद की गरिमा छोड़कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला न सिर्फ साथ दे दिया था, बल्कि ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान को इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाना चाहिए, भारत ने अब उनका इलाज कर दिया, अब उनको छोड़ना पड़ेगा पद। और आपको बता दें, जो बैठ रहा है वो भी एक मुस्लिम देश से ही है, लेकिन उसने OIC से लेकर कई बड़े मंचों पर भारत की और कश्मीर की बड़ी राय रखी है। जानेंगे आखिर कौन है और कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं और भारत ने कैसे वोल्कन वोजिकर को हटाया। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के ऊपर जहां भारत का बड़ा हमला हो रहा है, तो वहीं अब रूस भी बौखला गया है और रूस भी बड़े एक्शन वाले मोड पर आ चुका है। और हो क्यों नहीं, रूस को तुर्की की वजह से सबसे ज्यादा हानि हो रही है, जिसके बाद रूस ने इतने बड़े नुकसान को नहीं झेलने का फैसला किया है। तो वहीं आखिर चीनी गोद में बैठे नेपाल के KP शर्मा ओली फिर से चीनी राग अलापने लगे हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, वही हाल KP शर्मा ओली का होने लगा है। ओली ने वो कह दिया है जो उन्हें कहना नहीं चाहिए। देखो, अभी नेपाल भी इस महामारी को झेल रहा है और नेपाल को भी लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है भारत। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के विदेशी मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई ने इसकी पुष्टि की है कि नेपाल को भारत से लिक्विड ऑक्सीजन मिल रहा है और भारत एकमात्र देश है जो हमें ये दे रहा है। ऑक्सीजन की डिमांड नेपाल में काफी बढ़ गई है और नेपाल सरकार इस डिमांड को पूरा करने के लिए वैसे तो कोशिश कर रही है, लेकिन भारत की तरफ से बड़ी मदद मिल रही है। इस घड़ी में भी नेपाल की ऑक्सीजन की सारी जरूरतें भारत की तरफ से पूरी की जा रही है। भारत की ओर से 15 टन क्षमता वाले लिक्विड ऑक्सीजन के 2 टैंकर लगातार नेपाल को सप्लाई पहुँचा रहे हैं। जल्द ही भारत और 3 टैंकर इसमें जोड़ने जा रहा है। इन सब के बावजूद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का कहना है कि इस महासंकट से निपटने में भारत ने नेपाल की उतनी मदद नहीं की जितनी एक पड़ोसी देश के नाते उसे करनी चाहिए। वैसे उन्होंने आगे ये भी कहा कि हो सकता है कि कोर्ट के फैसले या वैक्सीन की कमी की वजह से भारत ने उतनी मदद नहीं की, लेकिन अगर नेपाल में ये महामारी रहती है तो भारत भी खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि नेपाल और भारत के बॉर्डर लाख चाहे सील किए जाएं, सील होते नहीं हैं, लोग आते जाते ही हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नेपाल में महामारी खत्म हो जाए और KP शर्मा ओली के सुर भी बदल जाएं। पर ये क्या, भारत ने तो बिल्कुल बवाल मचा दिया। तुर्की पर एक तरफ नहीं, 2 तरफ से गजब का हमला हो रहा है। पहले तो रूस बौखलाया हुआ है बड़े जोरदार ढंग से, और उसके बौखलाने की वजह भी है साफ। दरअसल तुर्की की वजह से रूस पूरी दुनिया से कट रहा है। ये जो मानचित्र देख रहे हैं आप, इसमें आपको रूस का सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट दिख रहा है और इस पोर्ट का नाम है सेवस्तापोल। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये रूस के लिए हीरे से कम नहीं है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ रूस का नौसैनिक अड्डा है। अब रूस का मौसम किस तरीके से बदलता है ये सभी जानते हैं, जिसकी वजह से लगभग कोई पोर्ट किसी मौसम में खुला रहता है तो कभी बंद रहता है। पर यही एक पोर्ट ऐसा है जो सालों भर खुला रहता है और यहाँ सालों भर व्यापार होता रहता है। रूस की सर्दियाँ जितनी लंबी होती हैं उतनी ही घातक होती हैं, खास करके रूस के व्यापार के लिए, क्योंकि उसमें उसके लगभग सारे पोर्ट बंद हो जाते हैं। पर ये वो पोर्ट है जो दुनिया से रूस को जोड़े रखता है। अब जरा इलाका देखिए, जिस इलाके में ये है ब्लैक सी के पास। अब देखो इसकी रूट किस तरीके से होती है, यहाँ से गुजरा ये इस्तांबुल पोर्ट और यहाँ से मेडिटेरियन सी और यहाँ से निकला, और ऐसे ही इस रूट के जरिए रूस पूरे दुनिया में अपना व्यापार करता है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा झमेला हो गया है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, सी ऑफ मरमरा का क्षेत्र, यहाँ से शुरू हुआ है सबसे बड़ा वाला पंगा जो रूस को काट रहा है दुनिया से। और ये जो है
है ये किसी बड़ी तबाही से कम नहीं है, क्योंकि इस तबाही ने रोजी रोटी तक छीनना शुरू कर दिया है। ये तबाही है सीनोट। सीनोट होता क्या है तो आप जान ले, ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कि चिपकता है। एक तो ये पूरे ऊपरी परत पर फैल जाता है पानी के, तो वहीं दूसरा ये कभी कभी किसी किसी जगह पे इतना गाढ़ा हो जाता है कि वहां से छोटी नौकाओं का निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ मछलियां और जीव जंतु बड़े आसानी से मरना शुरू हो जाते हैं। अब ये सी ऑफ मरमरा है, इस पूरे इलाके में ये सी नोट बड़े ही गंदे तरीके से फैल चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ी तेजी से फैलता चला गया है और तुर्की इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब मीडियम साइज की और छोटी सिप का यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो पा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुर्की इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है, जिसके बाद रूस ने अपने नौसैनिकों को उतारना शुरू कर दिया है और रूस का गुस्सा तुर्की के ऊपर भी फूट रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की खुद के व्यापार के लिए दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपनी नौसेना का इस्तेमाल इसकी सफाई के लिए नहीं कर रहा है। वैसे आपको बता दें, तुर्की और रूस के बीच इस वक्त एक कोल्ड वार सा चल रहा है यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को सबसे बड़ा वाला झटका और भारत ने अपना सबसे बड़ा वाला बदला लिया है, और वो भी यूएनजीए में। आपको याद होगा वोल्कन वोजकिर ने इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में भारत को घसीटते हुए ये कहा था, वो भी दुनिया में सबके सामने मीटिंग हो रही थी तब, कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा वैलिड है और उसके लिए भी बहस होनी चाहिए, जिसका भारत ने बहुत बड़ा विरोध किया था। भारत ने कहा था कि यूएन में एक गरिमा वाले पद पर रहकर कोई शख्स कैसे किसी का पक्षपात कर सकता है। तब वोल्कन वोजकिर ने ये कह दिया था कि मुझे भारत के इस बात से बड़ा दुख हुआ कि भारत ऐसा सोचता है, लेकिन भारत ने पुरजोर ढंग से इस बात को उठाई थी और वोल्कन वोजकिर इस पद के लायक नहीं है ये पूरी दुनिया को बता दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जहाँ पर बैठने वाला कोई भी शख्स निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। पर वोल्कन वोजकिर तुर्की के थे और पहले से ही दिमाग में खुंदस और गोबर भरे पड़े थे, जो उन्होंने उगलना शुरू कर दिया था। पर अब उनको कुर्सी से हटाया जा चुका है और वहां पहुंच गए हैं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद, जिन्हें 143 मत मिले जबकि 191 सदस्यों ने भाग लिया। 191 में 143 एक बहुत बड़ी संख्या है। और आपको बता दें, इसमें वोट करने में भारत भी सबसे पहले है और भारत ने उसी समय मालदीव का समर्थन कर दिया था जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करी थी। अब बड़ी बात आप जान लीजिए, मालदीव वो देश है जो OIC से लेकर UN तक जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है यही कहता है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी को भी दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और न किसी को दखल देने का हक है। वैसे ये तगड़ा वाला झटका है जो तुर्की को रूस से भी मिल रहा है और भारत से भी मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वोल्कन वोजकिर को इस पद से हट ही जाना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।